यही उनकी भाषा है कि कान पकड़ के उठना बैठना पड़ रहा है। उनको पता होना चाहिए कि मैं किस बैकग्राउंड का है। मेरे माँ बाप ने वो संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं मंच से चढ़कर मंच पर खड़े होकर किसी को माँ बहन की गाली दूँ, जूते मारने की बात करूँ। चलो अच्छा हुआ उन्होंने बता दिया कि जो मंच से माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूते मारने की बात हो रही थी, भीख मंगवाने की बात हो रही थी, घंटा बजाने की बात हो रही थी, वापस गुजरात भेजने की बात हो रही थी, वो व्यक्तिगत नहीं थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने गालियाँ दिया था, सार्वजनिक रूप से माननीय मंत्री जी ने जूते मारने की बात करी थी। वो संस्कार मेरे अंदर नहीं है, न मैं दे सकता हूँ। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी न कभी आज तक किसी के ऊपर किया हूँ न करूँगा। अगर इस तरह की निर्लज भाषा का इस्तेमाल करके, संस्कार विहीन भाषा का इस्तेमाल करके, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तिगत टिप्पणी और सार्वजनिक टिप्पणी पर ज्ञान दे, तो उनके ऊपर हंसने के अलावा क्या किया जा सकता है। और जहां तक काम करने की बात, उन्होंने कहा है कि काम पर चर्चा होनी चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से, तो बबुआ है ये क्या कुछ किए हैं सिवाय कि बढ़िया से बनारस घोसी, मैं बड़ी विनम्रता से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप दूसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं, आइए ना कहीं घोसी की चौराहों पर, घोसी के मैदान में, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर ये चर्चा कर लिया जाए कि आपने अब तक घोसी के लिए क्या किया है और राजीव राय ने क्या किया है 10 सालों में। या अगर आपके पास इतनी नैतिक साहस ताकत न हो कि मुझसे चर्चा कर सके, बहस कर सके सार्वजनिक जीवन में, तो बता ही दीजिए कि किसको कुछ किया है। जब आपके समाज के लोग फंसे हुए थे विदेशों में, आपके समाज के लोग मरे हुए थे विदेशों में, आपके समाज के लोग अनाथ हो रहे थे, आपके समाज के बच्चियों की शादी करानी होती है, आपके समाज के लोगों को इलाज कराना होता, तो किसी के साथ खड़े हुए हैं? मत दीजिए ना ज्ञान, आपका यही मुंह खोलना। कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग अगर संविधान खतरे में है, संविधान नहीं समाजवादी पार्टी खतरे में है। बताइए, जिसकी हमारी मान्यता के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी मान्यता कौन सी है बबुआ? छड़े की कौन सी मान्यता है? मतलब यही बड़बोलापन, बस इतना ही बड़बोलापन। घोसी के लोगों जान लो, यही इनकी वाणी है जिसकी खुद की कोई हैसियत नहीं है। बिना वो छड़ी, बिना किसी के सहारे आज तक कभी खड़ी नहीं हुई है। उस छड़ी की हैसियत इतनी है कि अपने दम पर चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो जाए। उस छड़ी की हैसियत बस इतनी है कि पिछली बार इसी घोसी लोकसभा से चुनाव लड़े थे तो 39,000 वोट पाए थे। वो हमारी पार्टी का संविधान का बात कर रहे हैं, घोसी में काम के कारण बात कर रहे हैं, और व्यक्तिगत और सार्वजनिक पर कमेंट कर रहे हैं। घोसी के लोगों, अगर आपको याद आए कि कोरोना में कहीं नजर आए थे, लॉकडाउन में कभी नजर आए थे, बाढ़ में कहीं नजर आए थे, कटान में कभी नजर आए थे, तो आप भी बता देना मुझे, मैं आगे से सुधार कर लूँगा। अगर सवाल पूछना कि घोसी के सुख दुख में आप क्यों नहीं थे, व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाती है, तो वो सार्वजनिक टिप्पणी मुझे कभी नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए ही नहीं है कि मंच से खड़ा होकर अपने विरोधियों से विरोधियों तक माँ बहन की गाली दूँ और जूते मारने की बात करूँ। बेचारे 15 दिन बाद आए हैं, और उस शोक के दौर में भी उनके पिताजी सुल्तानपुर में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अगर पूरा क्षेत्र घूम लिए हैं, तो जब घूम रहे थे अभी कान पकड़ के उठना बैठना पड़ा था, घूम रहे थे तभी इनके पिताजी को चिड़ियाकोट से भागना पड़ा था, और घूमते रहे इसी तरह जैसे घोसी उपचुनाव में घूम रहे थे तो जिता रहे थे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हाँ, एक निवेदन है मुझसे, छोटे हो, अपने आचरण को, संस्कार को, वाणी को सुधार लेना, तब किसी को ज्ञान देना, चाहे राजनीति हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो।